question is question number 9, again by Eilert. Inverse, cos inverse x आपका first function होगा and then algebraic x आपका second function होगा. Then first function is as such as integration of second minus sine of integration derivative of first function integration of second and then whole dx. So what we will have, cos inverse x का integration करोगे it will be x square by 2 minus sine of integration. Cos inverse x का integration क्या होता है? Cos inverse x का derivative क्या होता है? Minus 1 upon root 1 minus x square. भाई sine inverse x का derivative क्या होता है? 1 upon root 1 minus by root 1 minus. ठीक है? सिर्फ difference किसका होता है? Minus का. तो cos inverse x का derivative भी यही होता है, बस यहाँ पर plus की जगह क्या आ जाता है? Minus. Cos inverse x का जो derivative होगा इसमें क्या हो जाएगा? Minus 1 upon root 1 minus x square. अब x raise to power 1 का integration करोगे, it will be x square by 2 dx. Then the next step, x square by 2 cos inverse x. अब देखो, 1 by 2 ये constant है, बाहर आ जाएगा with this sign, तो ये हो जाएगा minus 1 by 2. Numerator में हमारे पास क्या बचा? माइनस एक्स स्क्वायर ये न्यूमरेटर में आ गया और ये आ गया रूट वन माइनस एक्स. अब देखो ऑलरेडी आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर है, आपको सिर्फ वन माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है ना, तो क्या करोगे? प्लस वन और माइनस वन. ये स्टेप क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, और अब इसको आप स्प्लिट कर दो तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वन. इसको जब आप स्प्लिट करोगे व्हाट वी विल हैव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, फिर या फिर इसको आप कैसे ले सकते हो, देखो प्लस या माइनस 1 एज इट इज. अब इसका रीजन है, देखो ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया कि आपको पता है ना, हमें पता है कि माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स. पहले बताओ ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब मुझे ये बताओ आपको ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रूट वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब इसमें यहाँ भी कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ भी कॉस इनवर्स एक्स है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का. अब यहाँ पर कॉस इनवर्स वाला अप्लाई करना चाहिए या साइन इनवर्स वाला? कॉस इनवर्स. कॉस इनवर्स वाला. उसमें क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर बाय टू होगा या माइनस ए स्क्वायर बाय टू? माइनस. माइनस. साइन इनवर्स वाले में प्लस होता है, इसमें माइनस. समझ में आ गया? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कैसे जज करना है, डिपेंड करता है कि इसके आसपास की जो टर्म्स है वो कॉस में आ रही है, कॉस इनवर्स में आ रही है, साइन इनवर्स. ऐसा नहीं आप इसको साइन इनवर्स में करोगे नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा, बट ईजी क्या है आपको ये देखना भाई, कॉस इनवर्स के साथ कॉस इनवर्स को सॉल्व करना ईजी है. व्हाट आई मीन टू से दैट, ये हो गया वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपने इंटेंशनली हमने इसको माइनस में रखा है बिकॉज ये डायरेक्टली अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स. अगर आप माइनस को बाहर लेके आ जाते, देखो अगर आप इस माइनस को बाहर लेके आते तो ये हो जाता माइनस, फिर ये आपका साइन इनवर्स एक्स में जाता, ये कॉस इनवर्स एक्स में है, और फिर यहाँ पर आप कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स एक्स. तो देखो ये साइन ये कॉस, तो आपको फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता. तो बेटर क्या है, इसको भी कॉस में कर दो, इसको भी कॉस में कर दो और इसको भी कॉस में कर दो. तो यहाँ पर जो हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एप्लीकेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो कौन सा वाला करेंगे? माइनस ए स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर. व्हाट वी विल हैव हियर, एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ, ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रूट वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू. यहाँ पर जो ए है आपका वो वन है, तो ये हो गया वन स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, कॉस इनवर्स एक्स, ए आपका क्या है वन, तो बाय वन प्लस प्लस ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, प्लस प्लस
ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉस इनवर्स एक्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, देन व्हाट वी विल डू, एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू एक्स बाय टू, रूट वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आपका रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये है वन, वन माइनस हाफ, तो वन में से हाफ माइनस करोगे इट विल बी हाफ। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है आपकी, ये हो गई आपकी हाफ कॉस इनवर्स एक्स, वन माइनस हाफ हो गया वन कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ, दैट इज हाफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। देन एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स, टू टू जा क्या हो जाएगा फोर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वन, टू टू जा फोर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो मैंने आपको भी कहा था, देखो वन बाय फोर बेसिकली आप ऐसे देखो वन बाय फोर कॉस इनवर्स एक्स, मुझे यहाँ पर क्या, मैं यहाँ से वन बाय फोर कॉस इनवर्स एक्स कॉमन ले सकता हूँ। अब अगर मुझे फोर कॉमन लेना, इट मीन्स वॉट, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो वन बाय फोर जो है आपका वो कॉमन आ जाएगा, तो वन बाय फोर कॉस इनवर्स एक्स आपका कॉमन आ गया। इन्यूमरेटर वी आर लेफ्ट विथ टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड देन माइनस एक्स बाय फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। पहले बताओ ये स्टेप क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, देन दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यहां पर एक सिंगल फंक्शन है, आपको कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करो। अभी तक जितने भी मेथड्स आपने स्टडी किए, जितने भी मेथड आप किसी को भी अप्लाई करके देख लो, यहाँ पर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो ये वैसे ही नहीं होगा, डेरिवेटिव तो है नहीं, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं अप्लाई कर सकता मैं, फ्रैक्शन ये है नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं होगा। तो अब ऐसे, अच्छा बाय पार्ट्स के लिए भी मैंने क्या कहा, दो फंक्शन होने चाहिए आपके पास, यहाँ पर ये पूरा एक ही फंक्शन है। जब भी ये बहुत, जब भी ऐसा केस आता है तो आपको क्या करना है, आपको इसको पहले दो फंक्शन में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे? एक तो ये ऑलरेडी एक फंक्शन है, वो किसी भी फंक्शन के साथ वन तो आप लिख ही सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट का वन लिख सकते हो, वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा। अभी आपके दो फंक्शन बनते, और हमेशा याद रखना जब आप वन को सेकंड वन को जब आप साथ में लिखोगे, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए दूसरा फंक्शन, जब भी आप वन होगे तो वन को हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं आपको? ठीक है, उसका रीजन क्या है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो जब वन को मैं इंटीग्रेट करूंगा वो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने वन को गलती से फर्स्ट फंक्शन ले लिया, ठीक है, वन को अगर आपने, तो फर्स्ट फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना जब भी हम बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए वन को लेंगे, वन हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। वैसे भी आप यहाँ पे ऑर्डर वाइज भी देख सकते हो, देखो आई ले, आई आपका फर्स्ट फंक्शन, तो ये आपका क्या हो गया सेकंड। अब क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो ये पूरा आपका जो फर्स्ट फंक्शन है ये आपका एज इट इज, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इस पूरे का डेरिवेटिव इसको आपने थोड़ा ध्यान से लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आप इसको ऐसे लिखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन, तो ये वाला ब्रैकेट अप्लाई कर, मैं इज इट क्लियर? ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हो गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये डैश लगा दे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन विद दिस ब्रैकेट होल इंटीग्रेशन। अब ये क्या होगा आपका, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन करोगे इट विल बी एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, तो पहले तो टू
साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कैन आई से दैट इट विल बी टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स डी, और फिर ये होल इंटीग्रेशन दैट इज डी एक्स। देन एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है आपका इट विल बी माइनस टू। अब ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। साइन इनवर्स एक्स को हमने किसके इक्वल पुट कर दिया ठीक है, मींस वी आर अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन हियर। कैन आई से दैट अगर साइन इनवर्स एक्स आपका टी के इक्वल है तो एक्स विल बी इक्वल टू साइन टी, अगर तो कोई डाउट नहीं है। साइन इनवर्स एक्स अगर आपका टी है तो एक्स क्या होगा साइन टी, साइन इनवर्स जब इधर शिफ्ट हो जाएगा इट विल बी साइन टी। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करोगे इट विल बी वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव करोगे इट विल बी डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप देखो जब आप ये सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई करोगे तो एक्स की जगह तो क्या आ जाएगा साइन टी। भैया हमने साइन टी क्यों लिया जब हमने उधर से डेरिवेटिव कर दिया तो? साइन टी इसलिए लिया कि एक्स की वैल्यू पहले निकाल के आपको दिखा रहा हूँ मैं, ऊपर जो एक्स है उसको साइन टी कैसे लिखोगे। अगर आप साइन टी नहीं लोगे तो मुझे बताओ ना फिर इस एक्स को कैसे फिर से रिप्लेस करोगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर साइन इनवर्स एक्स टी है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी साइन टी। अगर सब्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ टी करो तो सारी वैल्यूज टी में कन्वर्ट होनी चाहिए, तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ टी क्या होगा साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दो तो एक्स इन टर्म्स ऑफ टी होगा साइन टी, तो इस एक्स की वैल्यू होगी साइन टी। फिर आपने साइन इनवर्स एक्स को लिया था टी तो इसकी जगह आ गया टी, और ये वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स पर डी एक्स ये आपकी वैल्यू होगी पूरी डी टी, तो ये इस तरह से बन जाएगा। पहले बताओ ये समझ में है, इज इट क्लियर? ठीक है ओके। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस टू, ये इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया। अब देखो जब आप आईलेट के साथ जाओगे ए अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन, पी बाद में आ रहा है ये सेकंड फंक्शन, एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस टू। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और ए डी टी। व्हाट वी विल हैव नाउ x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस टू, साइन t का इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा माइनस cos t, ऐसे साइन t का इंटीग्रेशन करोगे ये होगा माइनस cos t, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज 1, और ये हो गया आपका cos t माइनस आपका बाहर आ गया, एंड देन t दैट x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस टू टी कॉस टी, प्लस माइनस क्या होगा माइनस टू कॉस टी का इंटीग्रेशन करोगे साइन टी प्लस सी, एंड व्हाट वी विल हैव एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस टू टी। अब देखो अब आपको आपका जो इंटीग्रेशन था वो इन टर्म्स ऑफ एक्स था, आपने एक्स को सब्स्टिट्यूट किया टी में तो वापस एक्स में जाओगे ना, तो जो आपका सब्स्टिट्यूशन आपने अप्लाई किया था वो किस पर किया था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी या एक्स इक्वल टू साइन, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। तो ये देखो ये कॉस टी है, अब कॉस टी को तो मैं एक्स में कन्वर्ट कर नहीं सकता, मैं साइन टी को कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी से, यस और नो? पहले मुझे वो सारी वैल्यूज दिखनी पड़ेगी जैसे कि मैं टी वाली टर्म्स को मैं एक्स में कन्वर्ट कर सकता, जैसे कि ये तो टी है, टी को तो मैं ऑलरेडी साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, टी को मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ, कॉस टी को नहीं कर सकता तो उसको मैंने पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जिससे मैं एक्स में जा सकता हूँ,
दैट इज रूट वन माइनस साइन स्क्वायर। साइन टी डायरेक्टली एक्स में आ जाएगा, ये एज इट इज छोड़ते। नाउ व्हाट वी विल हैव, एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस टू, टी की जगह क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी। तो साइन टी क्या है आपका एक्स, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू साइन। अब टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यहाँ डायरेक्टली एक्स नहीं कर सकते भैया साइन टी को, साइन टी आपका एक्स कहाँ था बताओ। अच्छा इसको कह रहे हो आप, हाँ ये डायरेक्टली कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे कर सकते हो। ये जो आपका साइन टी है इसको आप डायरेक्टली एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप डायरेक्टली ले सकते हो माइनस टू एक्स। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया? ठीक है, इसको डायरेक्टली आप ले सकते हो, तो साइन टी इसको डायरेक्टली आप ले सकते हो एक्स, तो माइनस टू एक्स। अदरवाइज टी की जगह साइन इनवर्स एक्स करोगे तो भी एक्स ही आएगा। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका दैट इज व्हाट, एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप डायरेक्टली माइनस साइन टी को आप एक्स कर सकते हो, तो माइनस टू एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरी एक्सरसाइज कराओगे भैया? देखते हैं कितना होता है, आप हिम्मत रखो मैं भी रखूंगा, कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। देखो सेम अभी आपने जो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया था कुछ इसी तरह का था ना, वो आपने क्या किया था कॉस इनवर्स एक्स को आपने टी ले लिया था, फिर मैंने कहा कि एक्स को इस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस टी, डेरिवेटिव करोगे ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस माइनस को भी अगर आप शिफ्ट कर दो तो माइनस डी टी। बोलो कुछ क्लियर हुआ कैसे इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करो भैया क्वेश्चन? चलो आप लोग आप ट्राई करो। देखो कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लेंगे टी, कॉस इनवर्स एक्स को आपने टी लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा डी टी बाय डी एक्स। इस माइनस को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस डी टी, वी आर लेफ्ट विद वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स की जगह तो हो गया टी, अब अगर कॉस इनवर्स एक्स टी है तो कैन आई से दैट एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, तो इस एक्स की जगह हो गया आपका कॉस टी। ठीक है, फिर वन वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा माइनस डी टी, तो ये हो गया माइनस डी टी। माइनस को अगर हम बाहर लेके आते हैं तो इट इज टी कॉस टी, इसको आपको इंटीग्रेट करना, दैट्स व्हाट वी हैव टू इंटीग्रेट। तो इसमें ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी टी टी टी। ठीक है, देन टी कॉस टी का इंटीग्रेशन करोगे इट विल बी साइन टी माइनस डी, हो गया आपका देखो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी दैट इज वन, कॉस टी का इंटीग्रेशन करोगे ये हो जाएगा साइन टी डी टी, व्हाट वी विल हैव टी साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन करोगे ये होगा माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस टी। अगेन सेम पॉइंट आपने जो किया है उसमें क्या था कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो आपके पास या तो एक्स इक्वल टू कॉस टी है, अब ये साइन टी है तो साइन टी को मैं क्या लिखूंगा रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी की जगह मैं डायरेक्टली एक्स कर सकता हूँ, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली एक्स। कैसे आएगा एक्स ये आपको पता ही है, अगर आप टी की वैल्यू भी पुट करोगे तो भी आपका ये एक्स आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या है आपकी कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस टी आपका एक्स है तो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और कॉस टी की जगह क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर माइनस कॉस इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स
तो डायरेक्टली आप कॉस टी की जगह आप एक्स कर दो प्लस सी, इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज एक्स सेक स्क्वायर एक्स. आपको उसको इंटीग्रेट कर, देखो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. ठीक है, सो व्हाट वी विल हैव, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा वन. sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स. अब tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस log cos x. tan x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस log cos x. इट इज x tan x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस log cos x प्लस c. log cos x प्लस c, इज इट क्लियर? ठीक है, इस तरह से करना है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर मैं करूं भैया? चलो आप ट्राई करो, टेन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करो. देखो टेन इनवर्स एक्स को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा. अब ये सिंगल फंक्शन है, बाय पार्ट्स के लिए आपको दो फंक्शन चाहिए. मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा किया जाता है सेकेंड फंक्शन हम किसको लेते हैं, वन. वन को हमेशा सेकेंड फंक्शन लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये हो गया डी एक्स. वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये हो गया एक्स इंटू डी एक्स. जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर को अगर हम t लेते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी विल हैव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx. तो बेसिकली x dx क्या हो जाएगा आपका, x dx, x dx हो जाएगा आपका 1 by 2 dt. जब आप सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करोगे व्हाट वी विल हैव, x tan इनवर्स x माइनस x dx की जगह हाफ dt, हाफ और dt, और 1 प्लस x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका t. देन ये हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस हाफ 1 बाय t dt व्हिच इज log t. t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस x स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन और करना है या बस हो गया, वे बैटरी डाउन हो गई? टोटल कितने क्वेश्चन है भैया इसमें? टोटल तो भाई टेंशन मत लो, यहां पे 24 25 से कम कोई एक्सरसाइज है नहीं. 24 बस ही होंगे, 15 तक करा दो भैया. 24 क्वेश्चन हमने कितने क्वेश्चन कर लिया अभी, 12. कुछ नया नहीं करना, 16 से आपका न्यू कॉन्सेप्ट आएगा. 14 और 15 ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, हाईलाइट लगाओगे ना तो ये आपको, चलो मैं करवा ही देता हूँ. होमवर्क करोगे तो भी मुझे डिस्कस तो करना ही पड़ेगा इस पैटर्न की, आप लोगों का एहसान क्यों नहीं होगा. चलो बेटा ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, राइट, हाईलाइट. एल हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ए हो गया आपका सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस पूरे का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. देखो फर्स्ट फंक्शन इज एस सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन log x स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो पहले तो 2 log x हो जाएगा. log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by x. x का इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर बाय 2,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x से आपका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ x एंड log x। अगेन इसमें log x फर्स्ट फंक्शन होगा। अब देखो दो डिफरेंट फंक्शन है विद इंटीग्रेशन, तो दोबारा वी विल अप्लाई, अगेन वी विल अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन बाय एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स। अभी एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, देन एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स रेज टू पावर टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बाय टू, ये कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है वन बाय टू, एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स डी एक्स। देन व्हाट वी विल हैव नाउ, देखो x का इंटीग्रेशन करोगे x रेस टू पावर 1 इट विल बी x स्क्वायर बाय 2, तो फाइनल आंसर क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 log x रेस टू पावर 2 माइनस x स्क्वायर बाय 2 log x प्लस 1 बाय 2 इनटू 2 2 2 जा क्या होगा 4 1 बाय 4 x स्क्वायर प्लस c। इज इट क्लियर, कोई डाउट क्लियर है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका। ये आपका हो गया आइलेट, अगेन ये फर्स्ट फंक्शन और ये होगा आपका सेकंड फंक्शन। कैसे करोगे देखो, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाय थ्री, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन बाय एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाय थ्री, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स इंटू डी एक्स। देन एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब देखो यहां से आप एक्स कॉमन ले सकते हो, एक्स क्यूब और एक्स से आपने एक्स कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर बाय थ्री प्लस वन डी एक्स, एक्स एंड एक्स विल बी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स लॉग एक्स, देन माइनस वन बाय थ्री। वन बाय थ्री कैसे, देखो माइनस वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस माइनस वन इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस वन बाय थ्री, एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे इट विल बी एक्स क्यूब बाय थ्री, और डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। फाइनली व्हाट वी विल हैव, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय नाइन माइनस एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 16। From the next class, we'll proceed with question number 17. Sorry, we have completed up to question number 15. यहाँ से जो आपका एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट हो, इसको बोलते हैं स्पेशल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि टाइप थर्ड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो प्रॉपरली लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, सारा लेक्चर देख लेना, सारे नोट्स बना लेना, सारे क्वेश्चन जैसे आप करते हो प्रैक्टिस करोगे, फिर जो भी आपका डाउट होगा पहले मैं डाउट एनालिसिस दूंगा इन सभी क्वेश्चंस का रिलेटेड, एंड देन वी प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड।